अमेरिकी शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद जो बाइडेन ने इस साल जनवरी में अफगानिस्तान पर वही फैसला लिया जो उनसे पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले थे, यानी अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना की वापसी का फैसला। अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना की वापसी की डेडलाइन 11 सितंबर से पहले तय की गई। 20 साल पहले 11 सितंबर को 9/11 की वो भयावह घटना घटी थी जिसमें हजारों मासूम लोगों को अफगानिस्तान में बैठे अलकायदा आतंकियों ने अपना शिकार बनाया था। ये घटना पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद अमेरिका की सबसे डरावनी घटना मानी जाती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर स्थित अमेरिका के पैसिफिक बेड़े पर जापानियों ने हमला किया था जिसके बाद अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा था। साल 2011 में अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन की योजना के मुताबिक 9/11 के हमलों को अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने अफगानिस्तान के तालिबान शासन को उखाड़ फेंका था। अफगानिस्तान पर 20 साल के कब्जे और सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों ने वहां के चुनावों की निगरानी रखी, साथ ही अफगान सुरक्षा बलों को तैयार किया। हालांकि इस दौरान तालिबान के हमले भी जारी रहे। आखिर में अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा में एक समझौता किया जिसके मुताबिक अगर तालिबान आतंकवादी संगठनों को पनाह नहीं देता है तो अमेरिका और उसके नेतृत्व वाली सेना अफगानिस्तान से लौट जाएगी। लेकिन तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत नाकाम रही और इस साल अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना ने पीछे हटते हुए अफगानिस्तान छोड़ दिया। 14 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना की वापसी का ऐलान किया था। फिर तालिबान ने एक के बाद एक प्रांतों और शहरों पर कब्जा करते हुए अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया और फिर 15 अगस्त को राजधानी काबुल को भी कब्जे में ले लिया। जो बाइडेन को उम्मीद थी कि उनके अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के बाद खबरों की सुर्खियां होंगी कि अफगान युद्ध समाप्त या अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध खत्म, लेकिन 9/11 हमले के 20 साल बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कायम कर रहा है। हो सकता है कि भविष्य में 9/11 की 20वीं सालगिरह को दूसरे अफगान युद्ध की शुरुआत माना जाए। फरीद अली, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।